एक तरफ जहां पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खींच ली है अमेरिका ने, 20 साल पाकिस्तान ने जो अमेरिका के साथ किया है उसका सबसे बड़ा फल देना शुरू किया है अमेरिका ने। लेकिन आपको बता दें, अमेरिका के इस मूव से सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि रूस, भारत और चीन बड़े रूप से प्रभावित हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ 2000 में अमेरिका की नेवी और उसका एक डिस्ट्रॉयर USS कोल, ये डिस्ट्रॉयर इतना एडवांस था कि इसमें टॉम हॉक क्रूज मिसाइल भी लगी हुई थी। अब टॉम हॉक क्रूज मिसाइल के बारे में जरा जान लीजिए, ये 1000 किलोमीटर दूर भी अगर कोई ऑब्जेक्ट है, टारगेट है, तो उसे बड़ी आसानी से मार सकती है। और अगर आसमान में 100 किलोमीटर दूर कोई एयरक्राफ्ट उड़ रहा है तो उसे भी मार के गिरा सकती है। लेकिन ये डिस्ट्रॉयर एक छोटे से बोट से तबाह हो गया था। तब अमेरिका को ये समझ में आया था कि उसकी टॉम हॉक मिसाइल वगैरह कुछ काम नहीं आई और एक छोटे से शिप ने इसे तबाह कर दिया, डुबो दिया। और न सिर्फ डुबो दिया बल्कि इसमें जो 17 लोग थे US नेवी के वो भी मारे गए। अब इसी कमी को भारत ने फाइंड आउट किया। भारत ने इजराइल के साथ मिलकर चुपके चुपके दूर कर लिया। और आपको बता दें, इजराइल ने चुपके चुपके भारतीय नौसेना को वो बना दिया है जो चीन सोच भी नहीं सकता है। जानेंगे क्या किया है भारतीय नौसेना के साथ इजराइल ने और क्या है SRCG और कैसे इस वक्त INS विशाखापत्तनम को एक खतरनाक रूप में बदल दिया है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान की टेंशन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ये टेंशन कहीं न कहीं अमेरिका बढ़ा रहा है। कहते हैं किसी को एक बार में मार दो तो वो उसकी सारी समस्या भी खत्म हो जाती है। उसके साथ साथ पाकिस्तान के साथ अमेरिका कोई बमबारी करके लड़ाई नहीं लड़ना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान को उससे भी गहरी चोट देना चाहता है और यही वजह है कि उसकी शुरुआत हो चुकी है। पाकिस्तान को इस वक्त बड़ी टेंशन ये हो रही है कि आखिर पश्चिमी देश अफगानिस्तान मामले में कुछ सोच क्यों नहीं रहे हैं, अफगानिस्तान को संभालने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान ने ये सोचा था कि ठीक है, हम तालिबान की तरफ से लड़ते हैं, अमेरिका को धोखा दे रहे हैं, अमेरिका के डॉलर खाते जाते हैं और ऐसा ही चलता रहेगा, अमेरिका हार जाएगा, अमेरिका हारने के बाद चला जाएगा, फिर हम बात करेंगे मानव अधिकार की, फिर हम बात करेंगे इमोशनल चीजों की और दुनिया की तरफ से फिर मदद आएगी, उस मदद में भी हम कट लेंगे। पाकिस्तान बहुत सारी चीजें सोच कर बैठा हुआ था, लेकिन स्थिति उसके बिल्कुल विपरीत चल रही है और इसका खुलासा खुद पाकिस्तान के अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून कर रहे हैं। उन्होंने अब ये खुलासा किया है कि पाकिस्तान सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता ये हो रही है कि पश्चिमी देश खास करके अमेरिका अब अफगानिस्तान में दिलचस्पी ले ही नहीं रहा है। पश्चिमी देश जिस हाल में अफगानिस्तान है उसी हाल में छोड़ने का मनसा बना रहे हैं। अब असर ये है कि पाकिस्तान के सैनिक और असैनिक अधिकारी जो भी हैं, वो जब भी विदेशी नेताओं से बातचीत कर रहे हैं बार बार यही कह रहे हैं, अफगानिस्तान को उसके हाल पर मत छोड़ो, अफगानिस्तान की मदद करो, अगर अफगानिस्तान को मदद नहीं करोगे तो इस क्षेत्र में अस्थिरता आ जाएगी। यहाँ तक कि पाकिस्तान तालिबान दोनों ही अमेरिका से गुजारिश कर रहे हैं कि जो फ्रीज किया हुआ सेंट्रल बैंक में $9.5 बिलियन की रकम है वो अफगानिस्तान को दे दो, लेकिन अमेरिका नहीं मान रहा है। अमेरिका कतर की भी बात नहीं मान रहा है, जो कतर भी ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से समस्या को हल किया जाए। जब पश्चिमी देशों से कोई रिस्पांस नहीं मिला तो पाकिस्तान ने OIC की बैठक बुलवाई, 19 दिसंबर को ये बैठक बुलवाई, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। पाकिस्तान ने OIC के जो धनी देश हैं, उनको मनाने की कोशिश की कि आप मदद कर दो, लेकिन वहाँ भी फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है।
अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि यहाँ से लोग भाग रहे हैं और भागकर पाकिस्तान के अंदर घुस रहे हैं, ईरान के अंदर घुस रहे हैं, रूस की तरफ घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रूस ने इतना सैनिकों का जमावड़ा और हथियारों की तैनाती रखी है कि घुसने की बात तो छोड़ो, आप वहाँ तक पहुँचते ऊपर न पहुँच जाए, ये हाल है। पर इस क्षेत्र में भारत और चीन के लिए भी समस्याएं बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे आतंकवाद पनप रहा है। लेकिन अमेरिकी रुख अब ये है कि जो जिस हाल में है हम उसे छोड़ रहे हैं, जैसे जैसे निपटना है वैसे वैसे निपटो। जहां एक तरफ ये हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल के एक मंत्री से जब ये पूछा गया था कि भारत और इजराइल के बीच कैसा रिश्ता है, तो इजराइल के मंत्री ने ये कहा कि इस वक्त भारत और इजराइल के बीच वो रिश्ता है कि भारत अगर कुछ मांग ले तो इजराइल उसे ना नहीं करेगा और इजराइल जरूर सकारात्मक तरीके से सोचेगा भारत की हर मांग पर। इजराइल हमारी मदद काफी समय से करता आया है, ये तो निश्चित है, पर इजराइल अभी भी चुपके चुपके इतनी बड़ी मदद कर रहा है, इसका अंदाजा शायद चीन को भी नहीं था। चीन अपनी नौसेना को दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तगड़ी नौसेना कहता है। यही वजह है कि इस नौसेना का इलाज भारत को करने के लिए भारत को अपनी नौसेना को मजबूत बनाना पड़ेगा। हमारी नौसेना में एक नया डिस्ट्रॉयर आया और ये डिस्ट्रॉयर काफी एडवांस है, जिसका नाम है विशाखापत्तनम। हम लोग यहाँ तक जान रहे थे कि इस विशाखापत्तनम में 76 mm वाली एक मेन गन लगी हुई है, एक एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर लगा हुआ है, ब्रह्मोस मिसाइल लगा हुआ है। हम मान रहे थे कि इतनी सारी चीजें लगी हुई है इसीलिए ये एडवांस है, पर इन सब के बीच कुछ और चीजें भी लगी हुई है जो दुनिया जानती थी अब तक, जैसे कि MF स्टार एरे रडार। ये रडार जो कि काफी किलोमीटर पहले ही पकड़ लेगी कि कौन से एयरक्राफ्ट उसकी तरफ आ रहे हैं, कौन सी मिसाइल आ रही है। दूसरा MRSM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल लगी हुई है, जो किसी भी हवाई क्षेत्र से आने वाले टारगेट को मारकर गिरा देगी। साथ ही साथ ये सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल भी लगी हुई है। ये रडार डेवलप किए गए हैं इजराइल के द्वारा और MRSM डेवलप किया गया है DRDO और इजराइल दोनों ने मिलकर। पर एक चीज और थी जो लोगों के ध्यान से निकल गया और वो था विशाखापत्तनम में लगा हुआ SRCG। क्या है ये? ये है स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन, एक ऐसा गन जो CCTV कैमरा के साथ लगाया गया है। साथ ही ये रिमोट कंट्रोल से हैंडल होने वाला है, यानी वो डर नहीं है जो डर अमेरिकी नेवी को और अमेरिका के डिस्ट्रॉयर को 2000 में सहना पड़ा था, जिसमें रिफ्यूलिंग के लिए उसने USS कोल अपने एडवांस डिस्ट्रॉयर को यमन में ऊपर किया और तब अलकायदा का एक बोट जो कि हैवी एक्सप्लोसिव से लोड था वो आकर टकरा गया। तब अमेरिका को भी ये एहसास हुआ था कि उसके पास सबसे बढ़िया मिसाइल होते हुए भी सिर्फ ये रिमोट से अगर कंट्रोल्ड होती तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। भारत की अब ये डिस्ट्रॉयर पूरी तरीके से आप समझ लीजिए कि एक चलता फिरता तबाही बन गया है दुश्मन के लिए। क्या क्या फिट नहीं हो चुका है, सब कुछ फिट हो चुका है और इजराइल की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी भी इसमें लग चुकी है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका ने अफगानिस्तान को उसके हाल में छोड़कर सही किया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।